सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं पेज लेआउट टैब के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको इंसर्ट मेनू के बारे में बताया था, आज की क्लास में पेज लेआउट के बारे में सीखना। जैसे कि पेज लेआउट के बारे में हम बात करें तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। जैसे कि अगर हम एमएस वर्ड में पेज लेआउट का प्रयोग के बारे में बात करें, तो यहाँ पे पेज से संबंधित जो भी आपको ऑप्शंस देखना है, इसके लिए आपको पेज लेआउट की रिक्वायरमेंट आती है। जैसे कि मान के चलिए कि इसमें पहला आपका दिया है मार्जिन, तो पेज की मार्जिन पे अगर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो पेज की मार्जिन को हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही कर सकते हैं। जैसे कि बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे पेज का मार्जिन आपका नॉर्मल दे रखा है, जैसे ही आप यहाँ पे नैरो पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में पेज आपको दिखता है। समझ में आ रहा है ना? इसके मार्जिन को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपका दिया है, मार्जिन में इतने सारे मार्जिन आपके दे रखे हैं, यहीं पे अगर आप वाइड पे क्लिक करेंगे तो पेज कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस पेज की मार्जिन को आप सही कर पाते हैं। बाय डिफॉल्ट पहले की अवस्था में लेके आना है तो आप यहाँ से आप नॉर्मल करते हैं, ये नॉर्मल अवस्था में हो जाता है। इसके बाद से जो ऑप्शन दिया है ये है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, पेज की ओरिएंटेशन आप कैसे देखना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पोर्ट्रेट आपको दिखाई देता है। अगर आप इसको लैंडस्केप में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लैंडस्केप पेज का कर सकते हैं, कुछ ऐसे इंटरफेस में पेज आपको दिखेगा, ये पेज की ओरिएंटेशन लैंडस्केप हो जाता है। और वही अगर आप पोर्ट्रेट में करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट में आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा। कंट्रोल पी करेंगे तो डेटा आपका वैसे ही प्रिंट होगा। देखिए, ये सब आपको पोर्ट्रेट में दिख रहा, अगर आपको लैंडस्केप में लेना है तो पोर्ट्रेट को हटा करके आप इसमें लैंडस्केप भी ले सकते हैं, कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखाएं। तो ये पेज की ओरिएंटेशन होती है, पेज का प्रारूप। अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका साइज। अगर हम साइज के बारे में बात करें तो पेज की साइज हम क्या लेना चाहते हैं, इसके लिए हम साइज वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम इसके साइज को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे A4 साइज ले ली तो पेज कुछ A4 साइज में दिखेगा, अगर आप यहाँ पे A5 साइज लेते हैं तो A5 साइज में आपको दिखेगा। तो जो आप यहाँ पे पेज की साइज यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे उसके आधार से आपका पेज की साइज हो जाता है। अगला जो दिया है वो है आपका कॉलम। अगर हम कॉलम के बारे में बात करें तो कॉलम का प्रयोग, जैसे कि आपने यहाँ पे जो टेक्स्ट आपने टाइप किया है और इसी को आप दो कॉलम में या तीन कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं, तो इसके लिए पूरे डेटा को कंट्रोल ए से पहले सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद आपको चले आना है कॉलम वाले ऑप्शन पे और आप इसकी कॉलम्स को तीन भागों में ऐसे बांट सकते हैं। दो भागों में बांटना है तो ऐसे दो भागों में भी दिखा सकते हैं। तो यहां से अगर आपको मैक्सिमम लेना है तो मोर मोर कॉलम पे चले आ जाइए। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे दे दिया 12, ये टोटल 12 कॉलम में आ जाता है। देखिए, टोटल 12 कॉलम में आ जाता है। और पहली की अवस्था में आना है तो कॉलम्स पे आप क्लिक करिए और यहाँ से सिंगल वन कॉलम आप ले सकते हैं, कुछ ऐसे आपको दिखता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अगला जो ऑप्शन आपका दिया है वो है आपका ब्रेक्स। क्या दिया है? ब्रेक्स वाला ऑप्शन आपका दिया है। तो जैसे कि यहाँ पे लिया हुआ है पेज, यहाँ पे लिया गया है कॉलम, यहाँ पे लिया गया है टेक्स्ट रैपिंग, यहाँ पे है आपका नेक्स्ट पेज, और यहाँ पे है आपका कंटिन्यूअस, यहाँ पे है आपका इवेंट पेज, और यहाँ पे है आपका वर्ड पेज। जैसे कि मान के चलिए जैसे कि ब्रेक्स के बारे में हम बात करें तो इसी में ये सारा ऑप्शन आपका जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ से पेज ब्रेक बोल सकते हैं, कॉलम ब्रेक बोल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पहला पेज दिया हुआ है जिसको हमने आपको इंसर्ट में पेज ब्रेक के बारे में पढ़ाया था, याद है? बस वही काम आपका इंसर्ट यहाँ पे पेज लेआउट में ब्रेक्स में और पेज ब्रेक का है। जैसे कि हम ये चाहते हैं, इसको मैंने पहले कलर कर दी, देखिए हम ये चाहते हैं कि केवल ये जो रेड लाइन में लिखा हुआ है बस यही आपका पहले पेज पे दिखाई दे, बाकी सब अलग पेज पे ट्रांसफर हो जाए, तो कर्सर को आप यहीं पे लेकर के आ जाए और यहाँ पे आप आ जाइएगा सबसे पहले लेआउट वाले ऑप्शन, और यहाँ पे आप आ जाइएगा ब्रेक्स वाले ऑप्शन, और यहाँ से आपको पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर देना।
अब देखिए, अगर आप फर्स्ट पेज पे जाएंगे तो केवल ये रेड लाइन वाला ही पैराग्राफ आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? वही अगर पेज ब्रेक आप यहां से करना चाहते हैं तो यहां से भी ब्रेक हो जाता है। पहले आप चले जाइए सबसे पहले ब्रेक्स वाले ऑप्शन पे और यहां से पेज ब्रेक आप इस्तेमाल कर सकते। देखिए पेज ब्रेक होकर क्या है, और बाकी सारा डेटा आपका अगले पेज पे ट्रांसफर हो जाता। हो जाएगा? तो ये हमारे पेज ब्रेक का प्रयोग होता है। अगला जो ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेक्स में, अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है कॉलम। अब जैसे कि आपको कॉलम में अगर ब्रेक करना हो तो इसके लिए कॉलम ब्रेक का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि पहले पूरे डेटा को कंट्रोल से सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद आप कॉलम वाले ऑप्शन पे आ जाइए और यहां से आप इसको टू कॉलम में कन्वर्ट कर लीजिए। अब आप ये चाहते हैं कि केवल जो ये रेड लाइन लिखा हुआ है यही आपको केवल पहले वाले कॉलम में आपको दिखाई दे, बाकी सारा डेटा आपका सेकेंड वाले कॉलम में है, तो आप यहाँ पे ब्रेक्स पे आइए और यहां से बस आपको कॉलम पे क्लिक कर दे। चेंज हुआ है? फिर आप कर्सर को यहाँ पे लेके आइए, यहां से भी आपको ब्रेक्स लगाना है तो आप यहां से ब्रेक्स पे आइए, यहां से कॉलम में ब्रेक आप दे सकते हैं। कुछ ऐसे इंटरफेस में ब्रेक्स आपका काम करता है। अगला जो ऑप्शन है आपका ब्रेक्स में वो है आपका टेक्स्ट रैपिंग। और टेक्स्ट रैपिंग का क्या प्रयोग है, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे हम ये चाहते हैं कर्सर, देखिए कर्सर आपका जो है के पास है और आप चाहते हैं कि ओ के पास आपका चला, इसमें भी बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए और आपको कीबोर्ड का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना, तो इसके लिए हमको टेक्स्ट रैपिंग का इस्तेमाल करना होता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो बीच में स्पेस मिल जाए। देखिए बीच में गैपिंग आ गया ना, हम ये चाहते हैं कि गैपिंग भी ना हो और कर्सर यहाँ पे के से है और यहाँ पे ओ के पास चला है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले आ जाइएगा ब्रेक्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको कर देना है टेक्स्ट टाइपिंग का इस्तेमाल। चेंज हुआ है? जब भी कर्सर आपका यहाँ पे रहे और आपको स्टार्टिंग वाले पे लेके आना है तो बस ब्रेक्स पे जाइए और यहाँ से नेक्स्ट पे, सॉरी यहाँ पे टेक्स्ट टाइपिंग का इस्तेमाल करें, ये दूसरे पेज मतलब दूसरे लाइन पे लेके चला जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका कंटिन्यूअस, सॉरी नेक्स्ट पेज है ना, नेक्स्ट पेज से आपको जानना है। तो नेक्स्ट पेज के बारे में मैंने आपको बताया था कब, इंसर्ट में और हेडर और फुटर पढ़ाते समय मैंने आपको बताया। जैसे कर्सर हमारा पहले लाइन के नंबर पे है, पहले पेज के लास्ट वाले पैराग्राफ पे है और हम सेकेंड पेज पे कर्सर को लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आना है पेज लेआउट पे और यहाँ पे आ जाना आपको ब्रिक्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ से आपको कर देना है नेक्स्ट पेज, ये सेकंड नंबर के पेज पे आपका कर्सर चला। चेंज हुआ है? समझ में आ रहा है? यहाँ से पेज को पुनः नीचे लेके आइए और यहाँ पे आप चलिएगा पेज के सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ पे और यहाँ से आप अगले पेज पे आना चाहते हैं तो ब्रेक्स पे जाइए और यहाँ से आपको नेक्स्ट पेज कर दूसरे पेज पे लेके चला जाता। कोई दिक्कत? अब अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ब्रेक्स में ये है आपका कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे जो पैराग्राफ आपने टाइप किया है इसमें बहुत सारा जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, हम ये चाहते हैं कि यहाँ से एक लाइन बना दिया जाए, तो यहाँ पे कर्सर लेके जाइए और आप आ जाइएगा सबसे पहले ब्रेक्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ से आपको कंटिन्यूअस पे क्लिक कर देंगे। जहां पे आपका कर्सर रहेगा वहीं से एक नई लाइन आपका बन जाता है, वहीं से एक नया लाइन आपका बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे फुटर से हम अलग करना चाहते हैं, या चलिए यहाँ पे क्लिक लिखा हुआ है ना, क्लिक से पहले फुल स्टॉप लगा है ना, हम ये चाहते हैं कि इसको अगले लाइन पे लेके चले जाएं, तो आप आ जाइएगा सबसे पहले ब्रेक्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले कहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ से अलग एक लाइन बन जाती है। अब चलिए इसके बाद से अगला ऑप्शन दिया है ये है आपका इवेन पेज और ये है आपका ऑड पेज। इवेन का मतलब होता है सम, जैसे कि आपको ये पता होगा वे सभी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाए उसको इवन नंबर बोला जाता है,
समझ में आ रहा है ना, जिसको हिंदी में सम बोलते हैं, और वे सभी संख्याएं जो दो से विभाजित ना हो उसको विषम संख्याएं बोला जाता है, जिसको ऑड नंबर के नाम से जाना जाता है। तो जैसे आपने यहाँ पे एक नया पेज ले लिया और यहाँ पे आकर के हम इंसर्ट टैब में यहाँ से ब्लैंक पेज ज्यादा मात्रा में इंसर्ट करा लेते हैं, 7 पेज मैंने इंसर्ट कराया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे टॉप वाले पेज पे आ जाते हैं। आप बताइए, एक नंबर से पेज से डायरेक्टली हमको तीसरे नंबर के पेज पे जाना है तो क्या दबाएंगे? सबसे पहले आप आ जाइएगा कहाँ पे, पेज लेआउट, और यहाँ पे आपको आना है ब्रेक्स वाले ऑप्शन पे, यहाँ से आपको ऑड पेज लेना होता है, 3 नंबर के पेज पे लेके चला। या फिर मान के चलिए कि आप सेकंड नंबर के पेज पे हैं, आप सेकंड नंबर के पेज पे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे पहले वाले पेज पे आ जाते हैं, पहले वाले पेज पे आ जाते हैं, फिर कर्सर को सेकंड नंबर के पेज पे लेके जाते हैं, यहाँ पे सेकंड नंबर कंट्रोल जी, और यहाँ पे आ जाते हैं पेज, और यहाँ पे ले लेते हैं टू, और 2 नंबर के पेज पे आप आ जाइए। रुकिए, पेज को पहले पूरा क्लोज कर देते हैं। अब यहां से मैं एक नया पेज ले लेते हैं विनवर्ड। यहां से पेज पे आने के बाद आप थोड़ा सा ब्लैंक पेजों की संख्या आप यहां से इंसर्ट कर लीजिए, ज्यादा मात्रा में यहां से ब्लैंक पेज हम इंसर्ट करा देते हैं। देखिए, पेजों की टोटल संख्या 8 हो गया ना। अब सबसे टॉप वाले पेज पे हम चले जाते हैं, यहां से सेकेंड वाले पेज पे हमको आना है, ऐसे पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और यहां पे हम आ जाते हैं सेकंड वाले पेज पे, बस यहां पे आ जाए। कितने नंबर के पेज पे हैं? सेकंड नंबर के पेज पे, और हमको 4 नंबर के पेज पे जाना, तो पुनः आप आ जाइए सबसे पहले पेज ले आओ, और यहां पे आ जाइएगा ब्रेक्स वाले ऑप्शन पे, और यहां से आपको ले लेना है इवेन पेज, यहां पे आइए और यहां से इवेंट पेज पे क्लिक कर लो, 4 नंबर के पेज पे आओ, फिर आप यहाँ पे ब्रेक्स पे क्लिक करिए इवेंट पेज, 6 नंबर के पेज पे आओ। इस तरीके से ऑड और इवेंट का प्रयोग हम कर सकते हैं। ऑड का मतलब क्या होता है, इवेंट का मतलब क्या होता है, तो ऑड का मतलब विषम और इवेंट का मतलब सम। यहां तक कोई दिक्कत? अब चलिए, अगला जो पॉइंट आपका दिया है वो है आपका लाइन नंबर। क्या दिया? लाइन नंबर। जैसे कि मान के चलिए मैंने यहां से विनवर्ड ओपन करने के बाद यहां से हम कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं, देखिए 100 पैराग्राफ मैंने इंसर्ट करा दी। देखिए, टोटल 24 पेज ओपन हुआ है। आप इसमें क्या करना चाहते हैं, सब पे हम अलग अलग लाइन नंबर देना चाहते हैं। अगर लाइनों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए कितना लाइन लिखा हुआ है, तो कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए और पेज लेआउट पे आ जाइए, और यहाँ पे आ जाइएगा लाइन नंबर पे, और यहाँ पे आप ले लीजिएगा कंटिन्यूअस। देखिए, सबसे लास्ट वाले पेज पे जाने के लिए क्या दबाते हैं, कंट्रोल प्लस इंड बटन दबाते हैं, 580 लाइन आपने टाइप किया। देखिए, सब दिखा रहे हैं यहाँ पे ना, 580 लाइन आपने इंसर्ट कराया, तो ये सब पे लाइनिंग यहाँ पे कन्वर्ट करके दे देता है कि आपने टोटल कितना लाइन लिखा हुआ। फिर कंट्रोल से सिलेक्शन करिए। अब ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए कि हर पेज का अलग अलग हमको काउंट करना है, पहले पेज पे कितना लाइन है, दूसरे पेज पे कितना लाइन है, हमको हर पेज पे अलग अलग काउंट करना है, तो इसके लिए आप सबसे पहले आ जाइएगा यहाँ पे लाइन नंबर पे, और यहां से आप कर दीजिएगा नन पे क्लिक, सारा हट गया। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ले लीजिएगा रीस्टार्ट ईच पेज, सारे पेज पे अलग अलग काउंटिंग आपको दिखाएगा। देखिए, फर्स्ट पेज पे कितना लाइन है, देखिए फर्स्ट पेज पे अलग बताएगा 24 लाइन, सेकंड पेज पे आप जाते हैं तो सेकंड पेज पे अलग आपको बताएगा 25 लाइन,
थर्ड पेज पे आएंगे तो थर्ड पेज पे बताएगा 25 लाइन, चौथे नंबर के पेज पे आएंगे तो चौथे पे बताएगा 25 पेज, मतलब जो भी आपका लाइन लिखा हुआ है किसी पे कम लाइन होगा किसी पे ज्यादा लाइन, आप आसानी तरीके से यहाँ से जांच कर सकते हैं। फिर कंट्रोल से सिलेक्शन करिए और आप चले आइए सबसे पहले यहाँ पे लाइन नंबर पे और यहाँ से कर दीजिएगा नंबर पूरा 8। अब चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है रीस्टार्ट ईच सेक्शन, जैसे हम ये चाहते हैं पहले तो पूरे डेटा को मैंने सिलेक्शन कर ली, सिलेक्शन करने के बाद हम ये चाहते हैं कि हर सेक्शन का अलग अलग हम नंबर देखें, तो यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद आप सबसे पहले क्या करिए पूरे पे आप यहाँ से लाइन नंबर आप दे दीजिए, सब पे कंटिन्यू हम नंबर दे दीजिए। अब जैसे कि मान के चलिए हम ये चाहते हैं कि पहले नंबर्स के बाद यानी कि जो पहला पेज आपने टाइप किया है यानी कि पहले पेज को ब्रेक करके और दूसरे पेज पे हमको अलग नंबर देना है, तो आप पहले पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आ जाइए और यहाँ पे आपको ब्रेक्स पे आना है और यहाँ से आपको कर देना है नेक्स्ट पेज, ये दूसरे नंबर के पेज पे आ गया ना, तो यहाँ पे आप आ जाते हैं कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए लाइन नंबर पे आकर के यहाँ पे रिस्टार्ट इच सेक्शन, देखिए यहाँ तक काउंटिंग 24 तक किया इसके बाद से पुनः एक नंबर से स्टार्ट करते, एक नंबर तो मैंने ब्रेक दिया था ना, यहां से देखिए सीरियल सही कर दो, नहीं समझ में आया एक बार और देखिए कैसे करना, सबसे पहले मैं बता रहा हूं सबसे पहले यहां पे क्या करना है, पहले पूरे डेटा को मैंने कंट्रोल से सिलेक्शन कर ली और यहां पे हम आ जाते हैं सबसे पहले पेज लेआउट पे और यहां से लाइन नंबर पे आ जाते हैं और यहां से मैंने नन कर ली, पूरा नंबर हट गया ना, इसके बाद से पूरे नंबर को आप यहां से लगा लीजिए लाइन नंबर पे कंटिन्यूस, सबका सीरियल सही है ना, आप खुद देखिए पहले नंबर से स्टार्ट किया है, सेकंड नंबर पे कौन सा लाइन 25 नंबर की लाइन दिया है ना, हम ये चाहते हैं कि 25 नंबर से फिर एक नंबर से स्टार्ट हो जाए, तो पहले पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आपको आना और यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले पेज लेआउट पे और यहाँ पे आपको आ जाना है ब्रेक्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको आ जाना है नेक्स्ट पेज पे, ये दूसरे पेज पे लेके आ गया ना, अब कंट्रोल इससे पूरे डेटा को सिलेक्शन करिए और आप आ जाइएगा लाइन नंबर पे और यहाँ से ले लीजिए रिस्टार्ट इट सेक्शन, देखिए फर्स्ट पेज पे अलग है और सेकेंड पेज पे अलग, यहाँ से एक बार मैंने ब्रेक किया है इसलिए यहाँ से ब्रेक होकर के आ गया, यहाँ से ब्रेक इसे दबा करके आप इसको सही भी कर सकते हैं। अब देखिए अब फिर आप चाहते हैं कि जैसे कि मान के चलिए कि तीसरे नंबर का अलग रिकॉर्ड हो, जैसे देखिए फिर से यहाँ से 26 नंबर से आ गया ना, अब हम ये चाहते हैं कि 26 नंबर से नहीं पुनः एक नंबर से स्टार्ट हो जाए, तो क्या करेंगे सेकेंड पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आएंगे, इसके बाद ब्रेक्स पे आएंगे, इसके बाद नेक्स्ट पेज करेंगे, आप देखिए ऑटोमेटिक कवर कर दिए, समझ में आ रहा है, इसके बाद से पुनः पेज को नीचे लेके आइए, फिर यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो फिर यहाँ से वही सेम तरीका, देखिए 25 के बाद 26 आ गया, फिर आप चाहते हैं कि यहाँ से फिर चेंज करें फिर यहाँ पे आ जाइए फिर यहाँ से ब्रेक्स पे आइए इसके बाद नेक्स्ट पेज, ये डायरेक्टली एक नंबर में कर दो, क्यों, क्योंकि मैंने यहां से लगा रखा है क्या रिस्टार्ट इच सेक्शन, जितने बार हम सेक्शन वाइज ब्रेक करेंगे उतने बार अलग अलग पेज का अलग अलग नंबर आपको दिखाएंगे, अलग अलग लाइन नंबर दिखाएंगे, यहां तक हो जाएगा, इसके बाद से जैसे मान के चलिए अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि सर मान के चलिए यहां से लेकर के यहां तक हमको नंबर ही नहीं देना, ये लाइन सब लिखा रहे लेकिन लाइन नंबर यहां तक ना दिखे, तो आपने इस डेटा को सिलेक्शन किया और यहाँ पे आप चले आए लाइन नंबर पे और यहां से ले लीजिएगा सप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ, यहां से नंबर ही नहीं दे, समझ में आ रहा है, फिर पेज को आप नीचे लेके आइए फिर आप चाहते हैं कि यहां से यहां तक नंबर ही ना दिखाए, सिलेक्शन करिए सप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ नंबर ही नहीं दिखा, पुनः लाना हो तो सेम तरीका, बस यहां से लेकर के यहां तक सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद आप लाइन नंबर पे आ जाइए और आप यहां से इसको हटा दीजिए, हो जाएगा, तो ये हमारे लाइन नंबर्स होते हैं। चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है
ये है आपका हाइबनेशन। हाइबनेशन को कैसे समझेंगे, तो आपने देखा होगा जब किसी वर्ड को हम टाइप करते हैं और जब स्पेस में मिलता है वो ऐसे गैस का सिंबल होता है और उसमें से कुछ लेटर कट करके नीचे आ जाते, उसको हम हाइबनेशन बोलते हैं, हाइबनेशन मार्क बोलते हैं। तो अगर वो हाइबनेशन आपको एमएस वर्ड की सॉफ्टवेयर में लगाना है पेज पे, तो सबसे पहले आपने पूरे डेटा को सिलेक्शन कर ही दिया और आप यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले हाइबनेशन, और यहाँ पे आपको लेना है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक लेने के बाद अब इसकी साइज को आप इंक्रीज करिए। देखिए यहाँ पे हाइफन का सिंबल लगा है, लगा है। देखिए यहाँ पे प्रोफेशनली, और भी इसमें देखिए और भी ऑप्शन लगा हो। जितने साइज बढ़ाएंगे कंट्रोल से स्पेस नहीं मिलेगा, हाइपन का सिंबल लगता जाएगा। देखिए ये सब हाइबनेशन हटाना चाहते हैं, हाइबनेशन पे जाइए, यहां से नन कर दीजिए, सब गायब हो, अब कोई हाइपन आपको नहीं दिखेगी, हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया तक, पूरा पिटकर समझ में आया। चलिए अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है ये है आपका इंडेंट। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी इंडेंट को आप बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, यहां से घटा भी सकते हैं। देखिए स्पेस को भी आप यहां से बढ़ा सकते हैं और यहां से घटा सकते हैं, सेम कंडीशन में ये भी काम करता है। देखिए मतलब कौन सा पैराग्राफ कितने स्पेस छोड़ करके आपको लिखना है, आप यहां से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक। बाकी ये सारा मैंने आपको पढ़ाया है कहां पे, फॉर्मेट टैब में मैंने सब पढ़ाया है। जब कोई हम इंसर्ट में आते हैं और यहाँ पे शेप में आते हैं और कोई भी शेप आप इंसर्ट कराएंगे, ये सारा ऑप्शन आपका हाईलाइट हो गया पेज लेआउट के लिए। क्या मैंने फॉर्मेट टैब में नहीं पढ़ाया है, यही तो सारा ऑप्शन है, हो जाएगा प्रैक्टिकल। इतना प्रैक्टिकल करिए आप लोग।